नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे तो देखो, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित स्टेटमेंट्स में इंडो पैसिफिक रीजन वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी समय से करता आया है, लेकिन पिछले साल जून 2018 में जब संग्रीला डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ और इस डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच दी, तो इंडिया ने पहली बार क्लैरिफाई किया कि इंडो पैसिफिक रीजन की डेफिनेशन इंडिया के लिए है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक का मतलब है अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से लेके अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक का ये जो एरिया है, इंक्लूडिंग पैसिफिक आइलैंड्स, ये सब इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं इंडिया के लिए। तो पहली बार इंडिया ने बताया कि इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब है क्या। अब नेक्स्ट बात आती है इस रीजन में इंडिया के एक्टिविटीज की। किस प्रकार से इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में बाकी एक्टर्स से एंगेज कर रहा है, इस रीजन के लिए इंडिया का विजन आखिरकार है क्या। देखो, यहां पर ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में चाइना का जो रुख है ना, काफी ज्यादा एग्रेसिव रहता है। चाइना ने काफी सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पर कब्जा कर रखा है, और जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का वर्डिक्ट आता है उसे भी चाइना नहीं मानता है। कम्युनिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट सी लेंस है, उन सी लेंस को भी चाइना बाधित करता है। तो सिक्योरिटी की डायमेंशन जो है वो मेन डायमेंशन है इस इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडिया का विजन ये कहता है इस रीजन में सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है डायलॉग की सहायता से, और कॉमन रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होना चाहिए इस रीजन में, मतलब इंक्लूडिंग चाइना और बाकी सभी देश इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको माने। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया, चाइना काफ़ी बार नेविगेशन स्मूथली होने नहीं देता और कम्युनिकेशन के लिए जो सी लेंस है उसमें बाधा पहुंचाने का काम करता है। लास्ट पॉइंट, इस रीजन में देखो विभिन्न देशों के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे मैरीटाइम बाउंड्री से संबंधित डिस्प्यूट हो या फिर व्यापार से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो, उनका सेटलमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ की सहायता से, ना कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब चाइना के पास पावर है तो चाइना अपनी दादागिरी दिखाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया का यह भी मानना है इस रीजन में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स तो इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए गुड गवर्नेंस पर आधारित, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आधारित, सोवरेनिटी पर आधारित, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन प्रोजेक्ट्स में, और वो प्रोजेक्ट्स वाइबल भी होने चाहिए, सस्टेनेबल भी होने चाहिए। साफ तौर पर इशारा यहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, क्योंकि देखो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ही ये आरोप लगता है कि ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को तो बूस्ट करता है लेकिन इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और दूसरे देश डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर इशारा करते हुए इंडिया के द्वारा कहा जाता है इस रीजन में कनेक्टिविटी को तो आप बूस्ट कीजिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, वो गुड गवर्नेंस पे आधारित हो, ट्रांसपेरेंसी पर आधारित हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आधारित हो। इसके अलावा इंडिया का विजन ये भी कहता है इंडो पैसिफिक रीजन में ओपननेस को प्रमोट किया जाए, इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जाए। इस प्रकार से देखो, हमने ये तो बात कर ली कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया का विजन आखिरकार है क्या। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि इंडिया क्या कुछ कर रहा है, क्या स्टेप्स ले रहा है अपने इस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया का मेन टूल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी की सहायता से इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपने विजन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए इंडिया सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है आसियान ग्रुप के साथ एंगेजमेंट पर, क्योंकि इंडिया को ये लगता है इस पूरे रीजन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आसियान ग्रुप है। तो इसलिए अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए
इंडिया का ज़्यादा फोकस आसियान के साथ एंगेजमेंट पर है। इसके अलावा इंडिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पर फोकस कर रहा है, और आसियान लेड जो इनिशिएटिव हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया समिट, इसमें भी इंडिया शामिल है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग प्लस होती है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। आसियान रीजनल फोरम में भी इंडिया है, बिम्स्टेक में इंडिया है, मैकोंग गंगा इकोनॉमी कॉरिडोर में इंडिया है। इंडिया इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज करता आया है, जिसमें इंडियन ओशन रीजन के विभिन्न देशों की जो नेवीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया ने अपनी एंगेजमेंट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ इंक्रीज कर दी है। इंडिया फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की सहायता से इंटरेक्ट कर रहा है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ। अफ्रीका के साथ हमारी पार्टनरशिप जो है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, और इसके लिए समय समय पर इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे लास्ट में बारी आती है चाइना और रशिया की। इंडिया चाइना और रशिया के साथ एंगेजमेंट पर भी फोकस कर रहा है, ताकि स्टेबल, ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रोस्पर्स इंडो पैसिफिक रीजन इंश्योर किया जा सके। तो इस प्रकार से देखो, शुरुआत में हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन की डेफिनेशन क्या है। दूसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस किया कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया का विजन क्या है। तीसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया किस किस के साथ कैसे एंगेज कर रहा है। अब चौथे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिकली इंडिया क्या कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में देखो एक स्पेशल विंग इस्टाब्लिश की गई है, इंडो पैसिफिक विंग। ये अप्रैल 2019 में सेटअप की गई, यानी पिछले महीने। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जिस प्रकार से विभिन्न मेजर कंट्रीज इस इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपनी स्पेशल पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इंडिया के लिए भी ये आवश्यक हो गया था कि स्पेशल विंग सेटअप की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और इंडिया ने यही किया, अप्रैल 2019 में एक स्पेशल विंग सेटअप की गई है इंडो पैसिफिक रिंग। यहां पर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कैसे यूएसए ने अपनी यूएस पैसिफिक कमांड टू यूएस को रीनेम कर दिया, इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया गया इसका नाम। यूएसए ने एक अलग से इनिशिएटिव लॉन्च किया 2018 में, एशिया री एश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। और इसके अलावा यहां पर अगली स्लाइड देखिए, जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे ने 2016 में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कंसेप्ट को लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में अपने फॉरेन पॉलिसी से संबंधित व्हाइट पेपर को रिलीज किया था। इस व्हाइट पेपर में ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपना विजन बताता है और कहता है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी, ओपननेस, प्रोस्पर्टी ये सब इंश्योर होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो ये नई इंडो पैसिफिक विंग इस्टाब्लिश की गई है, इससे देखो प्रधानमंत्री का जो विजन उन्होंने अनाउंस किया था पिछले साल संग्रीला डायलॉग में, उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं इंडिया के, उन एफर्ट्स में और ज़्यादा इंटीग्रेशन आएगा। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो इंडिया का विजन है वो इंटीग्रेट होगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव से, आसियान रीजन के साथ हमारी एंगेजमेंट, क्वाड ग्रुप के ऑब्जेक्टिव से, ये सब देखो और ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे हमारा जो विजन है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए उसके साथ। यानी हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एक बेहतर ढंग से एक निश्चित डायरेक्शन में चैनलाइज होंगे, ताकि हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा जो विजन है उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। देखो जब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का इंटीग्रेशन होगा इंडो पैसिफिक रीजन में, अटेंशन इंडियन ओशन रीजन पर रहेगी। इंडिया का मकसद ये है चाइना के जो फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं, चाइना अपनी डोमिनेंस जो इस्टाब्लिश करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में, उस डोमिनेंस को कम किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी दोनों नज़र रख रहे हैं इंडियन ओशन रीजन पर। तो ये जो नई विंग सेटअप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इंडो पैसिफिक विंग, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी के साथ मिलकर काम कर सकती है, ताकि इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडियन ओशन रीजन में। अब लास्ट में देखो हम बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज देखो ये है, इस रीजन के लिए इंडिया का जो विजन है उस विजन के लिए इंडिया का फोकस है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल डायमेंशन पर, लेकिन बाकी जो डायमेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड, कॉमर्स,
कनेक्टिविटी, इन डायमेंशंस पर इंडिया का फोकस नहीं है। तो इस रीजन के लिए इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रेजेंट करनी होगी। दूसरा, क्वाड ग्रुप, जो चार देशों का ग्रुप है जिसमें यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इस ग्रुप की एक्टिविटीज अभी तक देखो पॉलिटिकल कोऑपरेशन पर आधारित है। मिलिट्रीली ये ग्रुप जो है वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। क्या फ्यूचर में ये जो ग्रुप है क्वाड का, ये अहम भूमिका निभाएगा इस रीजन में चाइना की एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए या फिर नहीं, ये देखने लायक होगा, ये अभी साफ नहीं है। तीसरा, देखो इंडिया और यूएसए जैसे देशों का जो विजन है इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए और दूसरी तरफ चाइना का जो विजन है वो अलग अलग है, यानी दोनों के विजन में डिफरेंसेस हैं। चाइना ये नहीं मानता कि हम कम्युनिकेशन के लिए सी लेंस को बाधित करते हैं। चाइना कहता है वो जो सी है वो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर आता है। चाइना इस बात को भी नहीं मानता कि डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पर किसी दूसरे देशों का हक है। वो कहता है ये हमारे आइलैंड्स हैं और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात को नहीं मानते। कहने का मतलब साफ है कि चाइना का विजन अलग है इस रीजन के लिए, इंडिया और यूएसए जैसे देशों का विजन अलग है। तो दोनों में टकराव तो होगा ही, कैसे इस टकराव को अवॉइड किया जा सकता है और पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।